आपके पास भी एक अल्ट्रा पोटैटो पीसी है और उसको आप रोज देखते हो, काश हम भी इसमें कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम खेलते जिस जो कि हमारे ये पोटैटो पीसी में चलते। तो वेल गाइस, ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए होने वाला, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, इस वीडियो पर मैं कुछ पांच ऐसे गेम्स आपके लेके आया हूं जो कि आपके अल्ट्रा पोटैटो पीसी पे आराम से चल जाएंगे, चाहे आपके पास 1 GB रैम हो, चाहे आपके पास 512 MB रैम हो और ग्राफिक कार्ड के नाम पे कुछ भी ना हो, तो भी ये गेम्स को आप आराम से अपने पीसी या लैपटॉप इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। एंड मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि ये गेम खेलने के बाद आप बोर नहीं होंगे। नहीं, आपने यूट्यूब में सर्च करके या आपने स्क्रोल करते करते मेरी वीडियो को देख ही लिया, तो भाई एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। जो हमारा पहला गेम निकल के आता है उसका नाम है असैसिन क्रीड 1। एंड दोस्तों, असैसिन क्रीड 1 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। सरचा दोस्तों, इस गेम को रिलीज किया गया था नवंबर 13, 2007 को एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे अपने प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए आराम से खेल सकते हो। सरचा मोड की बात करें तो भैया, ये गेम अभी तक सिंगल प्लेयर है एंड इस गेम का जो स्टोरी लाइन दोस्तों वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि मिशन कंप्लीट स्टोरी लाइन गेम है। तो यहाँ पर मैं इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। कि शुरुआत होती है 2012 को, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम डेसमंड माइल रहता है, वो एक बारटेंडर शॉप चलाता है US न्यूयॉर्क में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसे किडनैप करके, डेसमंड माइल को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। एंड डेसमंड माइल्स के जो फादर रहते हैं वो एक टाइप के यार असैसिन रहते हैं। उनको इंडस्ट्री के दो डॉक्टर विलियम वेट्स, वो एक डेसमंड को एक मशीन में इंसर्ट करते हैं, मतलब लिटा देते हैं एंड उसे ज़बरदस्ती उस मशीन में लिटाया जाता है। एंड बेसिकली वो मशीन क्या रहता है दोस्तों, एक DNA चेंज मेमोरी टाइप का जो मशीन रहता है कि किसी का भी DNA आप पे इंसर्ट करके वो रियलिटी है वो उसे शो करता है। तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या होता है कि डेसमंड माइल जो रहता है 12th century में पीछे चले जाता है एंड वो एक असैसिन बन जाता है, वो अब मिशंस को कंप्लीट करता है। तो बेसिकली यही एक स्टोरी लाइन दोस्तों। एंड साथ ही साथ इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसका क्या कहना, गेम का स्टोरी दोस्तों। एंड यहाँ पर आफ्टर मिशन आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फटक सकते हो, किसी को भी मुक्का मुक्का चला सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों, जरूर से आपको इस बार ट्राई करना चाहिए। तो इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर अवेल कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको ये गेम पसंद आता है तो भाई देर किस बात की, नीचे लिंक है, कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। तो वेल गाइस, जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उसका नाम है मैक्स पेन। एंड दोस्तों, मैक्स पेन एक थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार स्टूडियो के द्वारा। साथ साथ दोस्तों, इस गेम को रिलीज किया गया था 23rd July 2001 को। एंड दोस्तों, ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 2, एक्सबॉक्स, मैक, आप इसे PlayStation 3, एक्सबॉक्स 360, iOS, Android एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए आराम से खेल सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ दोस्तों, गेम की बात करें तो भैया गेम काफ़ी ओपी। यह गेम के बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं दोस्तों। 1998 में मैक्स पेन, मैक्स जो रहता है वो LYPD में काम करता है, एक पुलिस ऑफिसर रहता है। तो क्या है कि मैक्स पेन, मैक्स को एक DEA के ऑफर आ रही थी कि भैया आप हमारे अंडरकवर कॉप को ज्वाइन कर लो एंड जितने भी जो भी ड्रग सप्लाई हो रहे उसे आप पता लगाएं। तो मैक्स इसके लिए अभी मानता नहीं है। तो मैक्स क्या करता है दोस्तों, मैक्स अपने घर में जाता है, तो जैसे ही वो घर में इंसर्ट करता है तो यहाँ पर जो तीन लोग मिलते हैं एंड का नाम वी रहता है, वी ड्रग्स रहता है तो उसके नशे पर रहते हैं। एंड बेसिकली मैक्स क्या करता है, पहले उन लोगों को मारता है, मैक्स के ऊपर वो हमले करने लगते हैं। एंड मैक्स सोचता है कि यार मेरी जो भी बीबी बच्चे वो सेफ है कि नहीं। तो जैसे ही वो अपने बीबी बच्चे के रूम में जाता है तो इनफैक्ट उनके बीबी और बच्चे को दोनों को मार दिया जाता है। शपथ लेता है कि भाई अब अपन ये जो वी ड्रग्स है इसको पूरा खत्म करेंगे एंड कौन सप्लाई कर रहा है, कौन इसको मतलब बढ़ावा दे रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है उसको ख़त्म करना, एंड कौन मेरी बीबी और बच्चे को मारा, यार वो कौन लोग थे जो हमारे मेरे बीबी और बच्चे को मारे। DEA ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर लेता है। देन आफ्टर यहाँ पर वो माफिया को पूरा ठोक ठाक करते एक गैंग में ज्वाइन हो जाता है। एंड यहाँ पर अब यार आगे का स्टोरी स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन। एंड यहाँ पर क्या करता है मैक्स, वन बाई वन सभी जो माफियाज रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते जाता है। तो यहाँ पर एक कॉमिक टाइप का आपको ऑप्शन मिलता है, आप एंटर दबा के इसे स्किप कर देते। तो बेसिकली यही एक स्टोरी लाइन रहता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो
मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। और दोस्तों स्पेस की बात करें तो 2 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना भाई अपने PC या लैपटॉप पर इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। तो वेल गाइस, अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है या आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके से इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम की ओर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है टोटल ओवरडोज। एंड दोस्तों इस गेम को आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार जरूर खेला होगा। तो टोटल ओवरडोज की बात करें, ये एक ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग मैक्सिकन स्टाइल वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया डेड लेंस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया SCI गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स एंड आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही आसान तरीका से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 16 सितंबर 2005 को। गेम की बात करें तो गेम स्टार्ट होता है दोस्तों 1989 को, जहां पर अर्नेस्टो क्रूज जो एक अंडरकवर कॉप रहता है, DEA एजेंट रहता है, और वो एक जंगल में जाता है। एक लोकल आर्मी से उसका झड़प हो जाता है जहां पर वो एक इकट्ठा करने जाता है पापा मोटरे, जो कि बहुत ही बड़ा यार मतलब क्रिमिनल रहता है या गैंगस्टर ही बोल सकते हो, जो कि ड्रग्स व्रग्स का सप्लाई करता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारा DEA एजेंट रहता है उसे मिल जाता है सबूत एंड वो जब वापसी करते रहता है तो होता क्या है कि जो हमारा गैंगस्टर रहता है उसके दो ऑफिसर DEA एजेंट में रहते हैं, अस्ट्रे रहता है, उसे वो प्लेन से फेंक देते हैं। और DEA का मीटिंग होता है कि भैया वो हमारा DEA एजेंट कैसे मरा, तो ये रिपोर्ट आता है कि वो ड्रग्स कोई भी मिशन अपना जो टास्क कंप्लीट करने के लिए ड्रग्स का ओवरडोज देता था, इस वजह से वो प्लेन से गिर गया और मर गया। बट ये रिपोर्ट से उसका जो उसका बड़ा बेटा रहता है टॉमी को वो ये बात हजम नहीं होता कि सकते इसके पीछे कुछ साजिश है। तो बेसिकली होता क्या है कि अब यहाँ पर जो इसका बड़ा बेटा एंड इसका जो छोटा बेटा जिसका नाम रेमेरियो रहता है, ये दोनों मिलके पापा मोटरे के ठिकाने रहते हैं, उन सभी को ये लोग पहले तो डिस्ट्रॉय करते हैं। बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर आप कार चला सकते हो, जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो वो सभी चीज़ इस गेम में आप कर सकते हो। साथ ही साथ गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है। RAM की बात करें तो मात्र 256 MB होना चाहिए आपकी PC या लैपटॉप पे। और वीडियो मेमोरी की बात करें मतलब ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 32 MB ग्राफिक कार्ड आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। और CPU की बात करें, इट्स मीन प्रोसेसर की बात करें तो Pentium 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 1 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो बल्कि इस बढ़ते हमारे फोर्थ गेम के ऊपर, जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है हिटमैन ब्लड मनी। एंड दोस्तों हिटमैन ब्लड मनी एक थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया IO इंटरैक्टिव के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एडवांस इंटरैक्टिव के द्वारा। साथ ही साथ इस गेम को रिलीज किया गया था May 2006 को एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 2, Xbox 360, प्लेस्टेशन 3 एंड आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीका से खेल सकते हो। एंड गेम की मोड की बात करें तो भैया अभी तक ये गेम सिंगल प्लेयर में ही आपको मिलता है। तो गेम की स्टोरी लाइन की बात करें पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट का किरदार निभाते हैं जिसको हम लोग एजेंट 47 बोलते हैं। बेसिकली ये एजेंट क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है एंड अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करता है। यहाँ पर आप अलग अलग सिटी पर ट्रैवल करोगे, यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस गेम का जो स्टोरी लाइन है यार वो काफ़ी औसम है, जरूर से इस गेम को आपको एक बार खेलना चाहिए। तो वेल गाइस, इस गेम का जो यार सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें मात्र 512 MB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया Pentium 4 में गेम आराम से चल जाएगा। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB नीड है। एंड दोस्तों स्पेस की बात करें तो भैया 5 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो भाई मेरे वेबसाइट पर लिंक है, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, पढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट एंड फिफ्थ गेम निकल के आता है, उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी यूनाइटेड ऑफेंस। अब मेरे को पता नहीं कि इस गेम के बारे में आपने कभी सुना होगा या खेला होगा कि नहीं खेला होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी यूनाइटेड ऑफेंस एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी का ही एक सीरीज का गेम है। साथ ही साथ इस गेम को डेवलप किया गया है ग्रे मैटर इंटरैक्टिव के द्वारा एंड इस गेम को पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। साथ ही साथ ये आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है एंड आप इस गेम को रिलीज किया गया था September 14, 2004 को। सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड बेसिकली यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड जो अपने एनिमी बेस जो आपके दुश्मन का बेस रहता है उसे तबाह करना रहता है एंड वहाँ पर कैप्चर करना रहता है।
सच सच जब आप इस गेम को खेलोगे तो यार इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी एंड यार जो कट सीन से वो काफ़ी ऑसम है, आपको ज़रूर से इस गेम को एक बार खेलना चाहिए। एंड इस गेम की मोड की बात करें तो भैया ये गेम सिंगल प्लेयर भी है, मल्टीप्लेयर भी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस गेम को खेल सकते हैं। तो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। सो बोल इस रैम की बात करें तो मात्र 128 MB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 32 MB ग्राफिक कार्ड्स आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। और प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 1 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है और आपने कभी खेला नहीं इस गेम को तो ज़रूर से लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ 1 GB रैम और बिना ग्राफिक कार्ड वाले गेम से जो कि आपके पटैटो से पटैटो पीसी में आराम से चलेंगे। एंड इन सभी गेम में आपको ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। एंड साथ साथ मैं फिर बता दूं जितने भी गेम्स के लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन पर से आप जाके सभी गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई कर के आ रहे हो यार, कसम से ज्वाइन कर लो यार, बुरा लगता है देखो जब आप ज्वाइन नहीं करते। और एक बात दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।